हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, खूब सारी पढ़ाई करते होंगे, पौष्टिक खाना भी खाते होंगे। तो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत कर है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो चलो बच्चों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपकी प्रिय पुस्तक स्वर तरंग बाय ब्रेन रूट से। कौन सा पार्ट आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम पुनरावृत्ति करेंगे, आज हम दोहराएंगे जो हमने पढ़ा है बच्चों। तो उसको एक बार, उसका एक बार अभ्यास करना, उसको दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति करना अति आवश्यक है, तभी आप आगे का पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला की हम पुनरावृत्ति करते हैं। जी हाँ बच्चों, वर्णमाला में अ एक ऐसा एकमात्र स्वर है जिस पे कोई भी मात्रा नहीं लगती। जो अ होता है बच्चों, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगती इस व्यंजन में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है अ, अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईक, उ उल्लू, ऊ ऊन, और ऋ से ऋषि। अब हम आगे चलते हैं। ए, बच्चों मेरे स्वर को देखना, मैं कैसे कुछ कौन सी चीज़ को लंबा खींच रही हूँ और किसको मैं बहुत जल्दी से बोल रही हूँ, तो वही है हमारे स्वर। ए ए एडी, आई, देखिए ऊपर मात्रा आ गई तो मैं कैसे बोल रही हूँ, आई। आई से ऐनक, ओ ओ ओखली, औ औ से औ औरत, इसमें दो मात्राएं आ गई तो मैंने कैसे बोला, ओ ओ से औरत। अंग बिंदु है, अंग अंगूर, और अहा खाली। तो वो अक्षर जिनकी मात्राएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्वर। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, 11 स्वर। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर। और अब हम चल रहे हैं व्यंजन। हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन जो कि हम पहले की पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था, तो फिर से दोहराते हैं एक बार व्यंजन। क क ख ख ग ग, आशा करती हूँ आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। घ घ, ण ण, च च, छ छ, ज ज, झ झ, य य, ट ट, ठ ठ, ड ड, ढ ढ, ण त त, थ थ, द द, ध ध, न न, प प, फ फ, ब ब, भ भ, म म, य य, र र, ल ल, व व, श श, श षटकोण वाला, श स स, ह ह। इसके आगे अब वो अक्षर जिन पे स्वरों स्वरों की मात्राएं लगती हैं जिनके ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर शब्द, जिसमें क्ष त्र ज्ञ और श्र, यानी कि क्ष क्षत्रिय वाला क्ष, त्र त्रिशूल वाला त्र, ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ, और श्र श्रमिक वाला। और ये है अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण मतलब कि जो वर्ण बीच में आते हैं, इनसे कोई शब्द जो है वो नहीं स्टार्ट होता, इनसे कोई शब्द जो है वो नहीं बनता, ये शब्द, ये जो है वर्ण जो है ये बीच में आते हैं। जैसे ड है स ड क, ड बीच में आया, ढ ढ ढ ढ से जैसे पढ़ना, ड पढ़ना, चढ़ना, तो ये क्या है, ढ।
और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब तो हमें आ गए हैं, हमें स्वर भी आ गए हैं और व्यंजन भी आ गए हैं, तो क्यों ना कुछ कार्य किया जाए। तो हमें क्या करना है, खाली स्थान में क्रमानुसार सही वर्ण भरना है। तो अब हम करते हैं, इसमें सही वर्ण भरते हैं, जिसमें सबसे पहले सर्वप्रथम क्या लिखा है, अ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ के बाद आ, ई लिखा है तो उससे पहले क्या आएगा, ई, अ आ ई ई, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, उ, और फिर उ के बाद ऊ, रि से ऋषि, तो मैंने क्या भर दिया, अ आ ई ई उ ऊ रि से ऋषि, और यहाँ पे क्या है, आई, आई से पहले क्या आएगा, ए, ए से एड़ी वाला ए, आई से ऐनक, और फिर आई से ऐनक के बाद क्या आ जाएगा, ओ से ओखली, औ से औरत, और फिर यहाँ पे आ जाएगा अंग से अंगूर। तो हमने क्या भर दिया, अ आ ई ई उ ऊ रि से ऋषि, ए आई ओ औ अंग से अंगूर, अ अह खाली। और अब हम क्या भरेंगे, अब हम भरेंगे व्यंजन। बच्चों व्यंजन में सबसे पहले है क, का से कमल, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, और अड़ा खाली। चा से चम्मच, छा से छतरी, और जा से जहाज, झा से झंडा, और या खाली। टा से टमाटर, और ठा से हमने क्या पढ़ा था, ठठेरा। डा से डमरू, और ढा से ढक्कन, ढा खाली। अभी हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, अभी हम भर रहे हैं व्यंजन, और उसके बाद क्या करना है, था से थर्मस लिखा है, तो उसके बाद था से थर्मस से पहले क्या आएगा, ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, और ना से नल, पा से पतंग, भा से फल, बा से बत्तख, भा से भालू, और मा से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वर्षा, शा से शलगम, और शा से षटकोण, सा से सपेरा, और हा से हाथी। तो बच्चों हमने क्या भरे, हमने करा व्यंजन, हमने व्यंजनों को पूर्ण कर दिया, और इसके बाद है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में क्षा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, और श्र से श्रमिक, ड से, ड बीच का है ड, और ये है ढ, पढ़ना ड, ये ड है और ये पढ़, ये दूसरा वाला ड है। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं अतिरिक्त वर्ण। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने पहले स्वरों को कंप्लीट किया, पूर्ण किया, फिर हमने व्यंजन पूर्ण करे, फिर हमने संयुक्त अक्षर और अतिरिक्त वर्ण करे, और अब क्या है, अब है दो अक्षर वाले शब्द। दो अक्षर वाले शब्द ने सबसे पहले बच्चों क्या बनाए, ये तो बहुत सारे फल बने हैं, और फल कैसे लिखा हुआ है, फ ला, फ ला को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, फला फल, धना 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 धन, बसा बसा को एक साथ बोलेंगे बसा बस। तो अब हम इकट्ठे वाला पढ़ते हैं, फाला फल, धाना धन, बसा बस। और अब देखते हैं क्या लिखा है, अब हमारे पास कितने सारे दो अक्षरों के शब्द हैं, तो चलिए पढ़ते हैं, हाला हल, काला कल, जाला जल, टाला टल, बाला बल, और चाला चल, धाना धाना धन, माना माना मन,
ताना ताना तन, फाना फना फन, वाना वना वन और जाना जाना जन। टामा टामा टम, गामा गामा गम, हामा हामा हम, छामा छामा छम, दामा दामा दम और झामा झमा झम। कारा कारा कर, तारा तारा को मिलाएंगे तारा तर, वा और रा वारा वारा वर, घा और रा घारा घर, दारा दारा दर और ना और रा नारा नर, गाढ़ा गाढ़ा गढ़, चाढ़ा चा और ढा को बीच में मिक्स कर देंगे, चाढ़ा चढ़ को संयुक्त करके बोलेंगे क्या बन जाएगा चाढ़ा चढ़, माढ़ा माढ़ा मढ़, घाड़ा घड़ा घड़, लाड़ा लाड़ा लड़ और सड़ा सड़ा सड़। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, हमने दो अक्षर वाले शब्दों को हम पढ़ रहे हैं और अब हम फिर से एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। क्या है ये, हाला हल, चाला चल, फा ना फन, वा ना वन, आबा अब, काबा कब, ताबा तब, साबा सब। और बच्चों जैसे मैं बोल के प्रैक्टिस करती हूँ, मैं बोल के आपका अभ्यास करा रही हूँ जोर जोर से, तो आपको भी खाली समय में हिंदी को जब पढ़ेंगे तो हमेशा जोर जोर से बोल के अभ्यास करेंगे, जोर से बोल के पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपको स्वरों की पहचान हो जाएगी, सारे अक्षरों की पहचान हो जाएगी और आप गलत बोलने से बचेंगे। ठीक, तो ऐसे अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कर रहे हैं तीन अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। भा गा ता, अभी मैंने अलग अलग पढ़ा, टुकड़े कर करके पढ़ा, भा गा ता, अब मैं इसको एक साथ पढ़ूंगी, भा गा ता भगत, बिना रुके बोलना है, भा गा ता भगत, मा हा ला, अब एक साथ बोलेंगे, महाला महल, सड़का सड़का सड़क। अब तीन अक्षर वाले शब्दों की पहचान, मदाना मदन, बदाना बदन, चमाना चमन, हवाना हवन, गगाना गगन, नमाना नमन, आगरा अगर, मगरा मगर, नगरा नगर, खबरा खबर, कमरा कमर, डगरा डगर, महा का महक, नामा का नमक, काना का कनक, भाना का भनक, जाना का जनक, सबका सबक, गरमा गरम, नरमा नरम, धरमा धरम, परमा परम, भरमा भरम और जनमा जनम। और अब हम करेंगे बच्चों तीन अक्षर वाले शब्दों का एक बार फिर से अभ्यास। कामाला कमल, काला शा कलश, नाया ना नयन, काला मा कलम, शहदा शहद, नामा का नमक, बटाना बटन और मटरा मटर। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब जा रहे हैं चार अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास। इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, श ल ग म, श ल ग म, अभी मैंने इनको अलग अलग करके पढ़ा और अब मैं इसको एक साथ पढ़ रही हूँ, श ल ग म शलगम, बरतना बरतना, अब इसको एक साथ पढ़ेंगे, बरतना बर्तन। अब है अ ज ग र, अजगर, अलग अलग पढ़ा, अब इसको एक साथ पढ़ेंगे, अजगर
अजगर। और अब फिर से हम अभ्यास करेंगे, खटा पटा खटपट, पाटा पाटा पटपट, सारा पाटा सरपट, नाटा खाटा नटखट, झाटा पाटा झटपट, पाना घाटा पनघट, आना बाना अनबन, उपावाना इकट्ठे उपवन, पालाटाना पलटन, बाचा पाना बचपन, पाचा पाना पचपन, शबनामा शबनम, शाला जामा शलजम, सारा गामा सरगम, मारा हामा मरहम, हारा दामा हरदम, हामा दामा हमदम, माखा माला मखमल, दाला दाला दलदल, हाला चाला हलचल, आटा काला अटकल, काला काला कलकल, और पारा वाला परवल। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम कर रहे हैं चार अक्षर के शब्दों का अभ्यास। और अब एक बार फिर से पुनरावृत्ति होगी, टमा मा टम टम, एक साथ बोलेंगे तो क्या वैसे बोलेंगे, टम टम, शरबता शरबत, मैंने अभी अलग अलग बोला, मैं एक साथ बोल रही हूँ, शरबता शरबत, दामा काला दमकल, तारा काशा तरकश, खाटा माला खटमल, बारा गदा बरगद, कसरता कसरता कसरत, अचकना अचकन। और अब आ रहे हैं खाली शब्द, सही शब्द हमें अब खाली जगह में भरने। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे सही शब्द लिखने हैं, कहाँ पे जो खाली जगह है उसके बीच में पहचानना है। यहाँ पे क्या लिखा है, पहन, तो हमें क्या करना है, अचकन पहन या बचपन पहन। आ यहाँ पे आएगा, क्या लिखूंगी मैं, आ च क न, अचकन पहन, पकड़। अब यहाँ पे क्या आएगा, सरगम पकड़ या टम टम पकड़, यहाँ पे आ जाएगा टमाटमा टम टम पकड़, बदला बदल, करवाटा करवट बदल या सलावाटा सलवट बदल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सलवट नहीं यहाँ पे आएगा करवाटा करवट बदल। और फिर क्या है, यह लिखा है चला चल, तरकश चल या सरकस सरकस चल, सही शब्द है सरकस सरकस चल। अब यहाँ पे है भारा भर, थारा मासा थर्मस भर या दामा काला दमकल, आ जाएगा यहाँ पे थरमसा थर्मस भर। और अब है चाखा चख, नफरत चख या शरबत चख, क्या आ जाएगा, शरबता शरबत चख। तो हमने क्या किया, हमने सही शब्द जो थे वो खाली जगह में भर दिए। और अब है हमें जोड़कर शब्द बनाओ, यानी कि ये जो बीच बीच के हैं इनको हमें क्या करना है, इनको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले है आ ट का ला, क्या बन गया, आ ट का ला अटकल। अब ये जोड़ना है, सबसे पहले क्या लिखा है, स र
ग म, हमने इनको जोड़ दिया शब्दों को और क्या बन गया अक्षरों को जोड़ने के बाद, स र ग म सरगम। अब क्या है, स ह म त, सहमत सहमत। और अब यहाँ पे कौन सा है सबसे पहले अक्षर, प न घ ट, प न घ ट पन घट। द म क ल, अब हमने इसको जोड़ दिया और क्या बन गया, द म क ल दम कल। अब आखिरी है ज ग म ग, हमने इनको जोड़ दिया और क्या बन गया, क्या बोलेंगे, ज ग म ग जग मग। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, हमने खाली जो सही शब्द थे वो हमने खाली जगह में भरे और नीचे हमने जोड़कर शब्द बनाए। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अरे वाह कितने सुंदर चित्र बने, चित्र के नाम के सामने हमें क्या करना है, सही का निशान बनाना है जो चित्र के सामने है। जैसे सबसे पहले क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, एक टब, टब बनाया ना, तो अब हम देखेंगे टब कहाँ लिखा है, ये लिखा है जग, जग जी नहीं और टबा टब, यानी कि ये सही है, तो हमने यहाँ पे सही का निशान लगा दिया। ये क्या बना है, ये तो बना है बटन, नहर, नहर जी नहीं और बटना बटन, बटन के सामने मैंने सही का निशान लगा दिया। अब ये क्या है, ये है सब्जी, कौन सी सब्जी, कटहला, कटहल, देखते हैं कटहल कहाँ लिखा है, सबसे ऊपर ही लिखा है कटहला कटहल, क्योंकि ये लिखा है करवट करवट, ये गलत है। और अब ये क्या है, ये बना है हाला हल, और हाला हल ऊपर ही लिखा है, सही का निशान लगा दिया हल पे। और ये क्या है, ये है मिटाने वाली रबाड़ा रबड़, तो ये सड़क का सड़क जी नहीं रबड़ा रबड़ के आगे मैंने सही का निशान लगा दिया। और अब ये क्या है, क्या है ये, खटमल, मखमला मखमल जी नहीं खटमला खटमल। तो हमने चित्र के सामने चित्रों को पढ़ा और फिर चित्र के सामने जो सही शब्द था उसके आगे हमने सही का निशान लगा दिया। और बच्चों अब हम करने जा रहे हैं मात्राओं का ज्ञान, ये बहुत आवश्यक है बच्चों, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। जो अ है, अ में बच्चों कोई मात्रा नहीं आती, अ से अनार में, तो जैसे ये है ब सा बस, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। और ये है आ, आ की मात्रा, यानी कि आ को हम कैसे पढ़ते हैं, आ अच्छाता, इसमें क्या लगी हुई है, इसमें मात्रा लगी हुई है। और ये मात्रा होती है ऐसे, एक लाइन होती है सीधा डंडा होता है, वो कौन सी मात्रा हो जाती है, आ की मात्रा। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, छ में मैंने आ की मात्रा लगी है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, छा। और ता में भी देखो आ की मात्रा लगी है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ता में आ की मात्रा, ता छाता। और ये कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा, ये देखिए ये कौन सी मात्रा है, ई की, यानी कि ये छोटी ई, छोटी ई हमेशा आगे होती है, शब्द के आगे लगेगी, तो ये कौन सी मात्रा है, ई। और इसको कैसे, इसका स्वर कैसे होता है, ई कि ची पी हिरन, जैसे हिरन है तो हम हा को कैसे बुलाएंगे, क्योंकि इसके आगे छोटी की मात्रा है, हिरन हिरन हम जल्दी से बोलेंगे, तो ये है छोटी ई की मात्रा। और ये है इसके ऊपर मात्रा लगी है, तो ये कौन सी है, बड़ी ई की। और इसको कैसे बुलाते हैं, खींच के बोलते हैं, घड़ी, जैसे ये देखिए बड़ी ई की मात्रा है घड़ी। और ये है छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा कौन सी होती है, ये वाली होती है, ये ऊ। और इसको कैसे बुलाते हैं, ऊ ऊ जल्दी से बोलते हैं, जैसे गुलाब गुलाब, ठीक है, तो ये छोटे ऊ की मात्रा है। और ये है बड़े ऊ की मात्रा, ये नीचे की तरफ होती है, तो इसमें हम कैसे बोलते हैं, चूहा बूढ़ा, तो ये है बड़े ऊ की मात्रा। ये र से ऋषि, र से ऋषि में
ऐसे ये मात्रा होती है, या फिर हम इसको ऐसे भी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और ये हो गई हमारी ए की मात्रा, ए, शेर, शेर। अब श में ए की मात्रा है तो हम इसको कैसे बुला रहे हैं, शेर, ए, शेर। और ये है आई की मात्रा, इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें अगर एक मात्रा है तो इसमें दो मात्राएं हैं। और ये इसको हम कैसे उच्चारण करते हैं, ए, थे, से, पे। जैसे ये है से, सा में आय की मात्रा है तो हम इसको कैसे बुलाएंगे, सैनिक। और ये कौन सी मात्रा हो गई है बच्चों, ये है ओ की मात्रा, जिसमें एक मात्रा आती है वो हो जाती है ओ। मोर, चोर, खोल, दोना, यानी कि जैसे ता में ओ की मात्रा लगी है तो क्या बन जाएगा, तोता। और अब आगे की मात्रा है, ये देखो इसमें बच्चों दो मात्राएं लगी हैं तो इसका उच्चारण कैसे होगा, इसका उच्चारण होगा ओ, पौना, छौना, चौका, नौका। देखो ना में औ की मात्रा है तो ओ की आवाज आएगी, नौका। और फिर अंग, अंग में क्या आता है, अंग में सिर्फ ऊपर बिंदु आता है, अंग, अंडा, भंडा, गंगा, अंग की मात्रा आ रही है। जैसे कि जैसे पा है, ये पा में मैंने अगर उ बिंदु लगा दी है तो कैसी आवाज आएगी, पंग, पंगा, पंखा, तो अंग की मात्रा आती है, ठीक है। और ये है अंग, 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 चांद, मांद, अंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु, इसकी तो ये अंग की आवाज आती है। और ये है अह, खाली अह, अह, प्रातः, अह की आवाज आई तो प्रातः। तो जब स्वर व्यंजन में जोड़ दिए जाते हैं तब वे मात्रा कहलाते हैं। वर्णमाला में अ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर की मात्रा का चिन्ह होता है। सिर्फ अ में मात्रा नहीं लगती, जैसा आपने पढ़ा हल, बस, नल, जग, टब, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये सिर्फ अ है। तो बच्चों इसके हम आगे आगे पढ़ेंगे और आगे फिर आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले मेरे पास आ गई हैं मात्राएं। तो इसमें सबसे पहले मात्रा किस, अ, अ में कोई मात्रा नहीं आती तो अ यानी कि क, कम, कम। अब ये हो गई है आ की मात्रा, जैसे हमने पहले बताया आ की मात्रा में क्या आता है, एक सिर्फ लाइन होती है। और इसका हम उच्चारण कैसे करते हैं, क में आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन जाएगा, क में आ की मात्रा का। ये क्या लिखा हुआ है, क आ म, काम। अब ई की मात्रा, ये कौन सी ई है, छोटी ई, छोटी ई हमेशा अक्षर के आगे होती है। बच्चों एक पहचान कर लीजिए, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है तो हमेशा आगे चलता है ना, क्योंकि वो छोटा होता है तो वो आगे चलता है। ऐसे ही ये छोटी ई की मात्रा जो है वो अक्षर के से पहले लगती है, उसके आगे लगती है। और इसको बोले कैसे, इसका उच्चारण कैसे होता है, कि, चि। तो जैसे ये है क में छोटी की मात्रा तो हम किसको कैसे बुलाएंगे, कि। अब क में छोटी ई की मात्रा हो गई तो बन गया कि रना, तो क्या बन जाएगा पूरा, कि रना, किरण। अब ये कौन सी मात्रा है बच्चों, ये है बड़ी ई की, इसके ऊपर ऐसे ऐसे मात्रा आ गई है। तो इसको जैसे क है का, और ये कहाँ लगती है, ये अक्षर के पीछे लगती है, छोटी वाली आगे, छोटी ई आगे और ई पीछे। और इसको बुलाएंगे कैसे, इसको खींच के बुलाते हैं, की, चीख, मील, ठीक है। तो ये जैसे का में पीछे की तरफ मात्रा लग गई बड़ी की, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, की ल, अभी मैंने बोला की ल। और एक साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कील, मील, तो ये है कील। अब आगे हमारा कौन सी मात्रा आ गई, उ, उ की मात्रा हमेशा ऊपर जाती है। और इसको बोलते कैसे, इसका स्वर कैसे, इसका उच्चारण है उ, यानी कि इसको हम जल्दी से बोलते हैं उ। का में छोटे उ की मात्रा लग गई तो कैसे बोलेंगे, कु, पु, चु, नु। तो अब ये शब्द है हमारे पास
का में छोटी उ की मात्रा कु, सा में छोटी उ की मात्रा सु और म। तो अगर एक साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कु सु म, कुसुम कुसुम, कैसे बोलेंगे कुसुम। अब हम अगली मात्रा देखते हैं, ये कौन सी मात्रा है, ये है बड़े ऊ की मात्रा और इसकी पहचान है ये नीचे होता है, किधर की तरफ होता है बच्चों, ये मात्रा हमेशा ऐसे गिरी हुई होती है, नीचे की तरफ होती है और इसको कैसे बुलाएंगे हम, ऊ ऊना ऊना। जैसे का में बड़े ऊ की मात्रा लग गई, कू पू चू रू धू, तो जैसे है का में बड़े ऊ की मात्रा कूड़ा कूड़ा और चूड़ा पूड़ा मूढ़ा, ये इसकी पहचान होती है ये नीचे की तरफ होता है, तो ये कौन सा ऊ हो जाएगा, ये बड़ा ऊ। और उसके बाद है री, री से ऋषि, री में क्र, इसको हम उच्चारण करते हैं क्र क्र, कृपा कृपण क्र, तो इसकी जो है इसकी मात्रा की पहचान ऐसे होती है, ठीक है। और जैसे क में हमने ये लगा दिया तो कैसे उच्चारण करेंगे इसका, क्र क्र कृपा कृपा। और उसके बाद है ए ए, ए में एक मात्रा होती है और इसको बुलाते हैं ए ए, मे चे खे खेला मेला रेला ठेला। जैसे क में एक की मात्रा लगी तो क्या बन गया, के, जैसे कि का में एक की मात्रा के और ये श केश के, इसको कैसे बोलेंगे, कैसे स्वर होगा इसका, कैसे उच्चारण होगा, केश। और ये देखिए इसमें एक मात्रा थी और इसमें दो मात्राएं हैं, तो ये कौन सी मात्रा है, ए की, इसको कैसे बोलते हैं ए, ये थी ए और ये है आए। अब का में ए की मात्रा होगी तो क्या बोलेंगे, कै कै, का में ए की मात्रा कै पै पैसा जैसा तैसा, अगर ता में ए की मात्रा लगा देंगे आय की तो क्या बचेगा तै, तो ये है का में ए की मात्रा कै कै लाश। अब हमने अलग अलग पढ़ा कै लाश, अब हम एक साथ पढ़ेंगे क्या से बोलेंगे, कैलाश कैलाश, ठीक है। अब क्या है ये ओ ओ, का में हमने एक मात्रा लगाई तो क्या बन गया ओ का ओ, और कैसे पढ़ेंगे, माँ में ओ की मात्रा लगाई तो मो, ना में ओ की मात्रा लगाई तो नो नोट, मोटा चोटा रोटा। अब ये है का में ओ की मात्रा लगाई तो को को और ये ट क्या बन गया, कोट चोट नोट रोट, ठीक है। और अब ये है इसमें एक मात्रा थी तो ओ और दो मात्राएं हैं, अब देखिए इसमें आ गई हमारी दो मात्राएं, तो इसको हम कैसे बुलाएंगे ओ, इसको ओ बुलाते थे इसको इसको बुलाएंगे ओ, यानी कि का में ओ की मात्रा तो को कौवा खौवा, तो ये जैसे का में ओ की मात्रा को कौवा का ओ कौवा। तो बच्चों अभी हमने इन किन मात्रा को पढ़ा, हमने ऊ री से ऋषि ए से एड़ी आई ओ और औ, तो बच्चों अभी हमने इन मात्राओं का अभ्यास किया और मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नई मात्राओं के साथ और कुछ नया सीखते हैं, बहुत जल्दी आपके सम्मुख हम प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आभार।